Beautiful people, I have recently, yesterday actually, helped a friend जिसको मैंने मोटिवेट किया था जिम जाने के लिए. सो ही लॉस्ट वेट, बट जब मैंने उसको इतने मंथ्स बाद देखा, आई सॉ हिम लॉस्ट वेट, बट ही इज डूइंग अ टेरेबल मिस्टेक. वॉट आई एम गोना डिस्कस टूडे, जिम की एक टेरेबल मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग. आई विश यू ऑल अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द वीक. एंड इफ यू वॉन्ट जस्ट अ चीजल्ड अपलिफ्टेड लुक, ऑलवेज गो फॉर हाई पोनीज. ओके, वी स्टार्ट विद ब्यूटी टिप. सो होता क्या है, जब आप जिम जाते हो, जिम में जाके जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, नाउ दिस नीड्स एनर्जी. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं. प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन होती है, या ब्लैक कॉफी लेते हैं. आई एम टोटली ओके विद इट, क्योंकि ब्लैक कॉफी आपके फैट को मेटाबोलाइज करती है और आप वेट लॉस करते हो. नाउ स्टेप नंबर वन, विमेन जिनको एंग्जाइटी रहती है, हार्ट बीट तेज रहती है, उन वो वेमेन को खाली पेट कॉफी नहीं लेनी चाहिए, नंबर वन. और एमसीटी फैट, ठीक है, देन एमसीटी फैट के साथ लेनी चाहिए, या थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ भी थोड़ा सा, उसके बाद कॉफी लो. लेट्स से नट्स खा लिए मॉर्निंग के अंदर, भिगोए हुए नट्स. उसके बाद आपने कॉफी पी, आप जिम चले गए. ठीक है, अब जिम में क्या होता है कि लेट्स से, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. लेट्स से पूरे दिन में आपके पास 10 हॉर्स पावर एनर्जी है. जस्ट जस्ट लेट्स इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. जिम में जब आपने कॉफी पी होती है, आपने प्री वर्कआउट किया होता है, तो आप वहां पे 8 हॉर्स पावर स्पेंड करके आ जाते हो, तो आपके पास पूरे दिन के लिए बहुत कम एनर्जी रहती है. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि लोग अपना वर्कआउट लिखते नहीं है. या फिर अगर आप ये देखते हो कि आपके पास पूरे दिन में आपको एनर्जी 9 बजे तक चाहिए, 9 बजे के बाद आप सो जाओ या 9:30 बजे के बाद सो जाओ, आपको एनर्जी पूरे दिन में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लेट्स से आप दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे स्लगिश फील कर रहे हो, अभी अभी आपने जिम शुरू किया है, यू आर जस्ट डूइंग टू मच. नाउ दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माई फ्रेंड. कल ही मेरी बात हुई, उसने कहा मैम, मुझे मैम बोलता है, मुझसे छोटा है, सो बट ही इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, एंड ही इज़ लाइक मैम एक बात बताओ, आप भी एंटरप्रेन्योर हो, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे तो पूरा दिन नींद आती रहती है. आई वॉज लाइक, यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक. तुझे जिम के अंदर अपना वर्कआउट कम करना है, क्योंकि जब आप जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली मसल ट्रेनिंग करते हो, आपका मसल टूटता है. आप प्रोटीन लेते हो, आपका मसल स्ट्रांग बनता है. मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो कि विद टाइम आपकी एनर्जी आउटपुट बढ़ाएंगे. बट हमें एनर्जी, जो लोग, जो आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो जो कि बहुत ज़्यादा जान लगा रहे हैं जिम के अंदर, ट्रस्ट मी, वो लोग बाकी के दिन थके हुए रहते हैं. एंड नाउ एज अ मदर, नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, मेरे लिए जितनी बॉडी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से दैट आई कैन लिव विद नॉट सो सेक्सी बॉडी, बट आई कैन नॉट लिव विद नॉट सो सेक्सी माइंड. यू नो, आई माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ग्रोथ के लिए, यू नो, ग्रोथ के लिए. सो एंड यू टेक राइट डिसीजन. सो इफ यू आर लो इन एनर्जी, यू आर जस्ट एंग्री ऑन किड्स, एंग्री ऑन फैमिली मेम्बर्स. सो गाइज, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है, प्लीज अपना वर्कआउट डिजाइन करके आओ. कई बार मुझे ऐसा लगता है यार, मेरी तो, ट्रस्ट मी, मैंने सबसे पहले जब जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, किसी मैंने अपना वर्कआउट डिजाइन किया एंड मैंने देखा मेरे पास पूरा दिन कम एनर्जी रह रही है, तो मैंने अपना वर्कआउट बैकआउट किया. अब ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं जिम जा रही हूँ, आई कैन नॉट पुट, अगर मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी पूरे दिन के लिए, आई कैन नॉट पुट 8 इन द जिम. यू नो, ऑफकोर्स आई विल सी रिजल्ट, बट इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द प्रोसेस. सो टेक इट स्लो, ठीक है, कार्डियो नहीं वेट ट्रेनिंग नंबर वन. एंड प्लीज एनर्जी कम डालो अपने वर्कआउट्स के अंदर. वो जो जिम की वॉल्स के अंदर लिखी लिखी होती है ना ये चीज़, कि हार्ड वर्क, ब्लड, स्वेट, नो गाइज, नो. हम लोगों को पूरा दिन एनर्जी लेके चलना है, ताकि हम पूरे दिन में स्मार्टर डिसीजंस, क्योंकि लाइफ, जो लोग आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, उनकी जिंदगी इज जिम, उनका उनका खाना पानी इज जिम. यू नो, अगर वो जिम में इतनी जान लगा के, लेट्स से किसी लड़की के एब्स आ जाते हैं एंड वो पूरा दिन सोई रहती है, इट्स ओके, बट वी कैन नॉट डू इट. ओके, सो जिम के अंदर
कम जान लगाओ एंड जिस दिन आपको ये लगता है अपने वर्कआउट्स लिखो, मेरा एक एक स्टेप लिखा होता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है यार 45 मिनट्स में वर्कआउट हो गया, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, आई स्टॉप माई सेल्फ एंड नाउ जो जिस जिम के अंदर मैं जाती हूँ उनका सिग्नेचर वर्कआउट है, देयर इज अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट। नाउ मैंने क्या देखा, 38 के पास पहुँचते पहुँचते मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स थोड़े हाई रहते हैं, ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, दिस इज अ वेरी न्यू डेवलपमेंट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एंग्जाइटी सप्लीमेंट लेना शुरू किया, मैं पिछले साल तक नहीं लेती थी। देन दूसरी चीज मैंने क्या की, मैंने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स बंद किए हैं। अब कई बार जैसे आज है, यू नो कल हमने वर्कआउट नहीं किया, कल मेरा कैलोरी इनटेक भी बहुत हाई था, आज आई एम फुल ऑन फायर, आई एम गोना स्टॉप माई सेल्फ वर्किंग हार्ड इन द जिम, अदरवाइज यू आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। जिम मैं किस लिए जाती हूँ, मैं जिम सिर्फ बॉडी के लिए नहीं जाती हूँ, जिम मैं मेंटल हेल्थ के लिए जाती हूँ, इट इज़ माई थेरेपी, जिम मैं जाती हूँ हाइड्रेशन के लिए, मैं 1.5 लीटर पानी पी के आती हूँ जिम के अंदर। तो मुझे 6 दिन जिम जाना है, अगर मैं सारी की सारी जान मंडे को लगा दूंगी, कल क्रैम्पिंग होगी, वेंसडे क्रैम्पिंग होगी। सो गाइज दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, आई हेल्प माई फ्रेंड एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट हेल्प यू। सो प्लीज गाइज मैं सॉरी आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ लाइव वीडियो, द मोमेंट आई एम गोना एंड द लाइव वीडियो डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है, इसको फॉरवर्ड करो जितने भी जिम गोअर्स हैं, जिनको आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो उन लोगों की जिंदगी जिम है, मेरी जिंदगी जिम नहीं है, मेरी जिंदगी इज आउटसाइड द जिम, इट्स जस्ट 10% ऑफ माय लाइफ, यू नो इसीलिए मैं बिल्कुल रिब्ड नहीं हूँ, यू नो रिब्ड नहीं हूँ, बट बिकॉज आई एम डूइंग वर्किंग ऑन सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड आई कैन नॉट पुट लाइक 200% इन द जिम, नो आई हैव पुट ओनली 20% इन द जिम एंड बाकी 80% मेरी एनर्जी थ्रू आउट द डे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, डू नॉट पुश 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 पुश, नो, ठीक है। एंड जिस दिन आपकी हार्ट बीट अप है, यू नो द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज न्यू ईयर आ गया, ओ न्यू ईयर आ गया लेट्स डू दिस रेजोल्यूशन, पूरी जान लगाएंगे जिम में, नो, कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन motivation, consistency is better, okay guys, and I just did my gua sha, that's why everything is lifted now. For the people who says palak has done buttocks, kyunki buttocks mein aapka ye look aata hai, now let me show you, there's no buttocks, you see wrinkles, buttocks wale ye nahi kar sakte, do you see wrinkles, buttocks wale ye bhi nahi kar sakte, this is just my face massage. मैं दूसरे जो मेरा पलक मिड्डा वाला चैनल है उसके ऊपर मैं अपना पूरा मॉर्निंग का मसाज डाल दूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू द जिम एंड मैं सोफी के स्कूल जाने से पहले आई वांट टू कम बैक बट आई एम सो मोटिवेटेड, मेरे अंदर ऐसे है कि आई एम नॉट गोना पुट 100% क्योंकि मुझे पूरे दिन में बहुत कुछ करना है, मुझे सोफी को बास्केटबॉल सिखाना है विच इज अ वेरी न्यू डेवलपमेंट, देन सोफी की सिंगिंग प्रैक्टिस है, देन मुझे कंपनी के लिए कुछ करना है, देन आई एम राइटिंग दिस बुक, उसके 3-4 पेजेस खत्म करने हैं, देन इन द इवनिंग आई हैव अ नेटवर्किंग इवेंट, नो आई कैन नॉट पुट 100% इन द जिम, डू नॉट पुट 100% इन द जिम, ओके गाइज, आई विश यू अ नॉट गो 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 स्टार्ट ऑफ द वीक, I wish you a mindful start of the week. Okay, bye-bye. What is that? Yesterday only someone was commenting that Palak has changed so much. Yes, I have changed so much. I manifested and visualized my beauty. And yes, I just, the while massaging, I was just doing my gua sha massage. And the moment I was doing it, I was saying, girl, you are beautiful. Girl, you are lovely. I have very positive self-talk. I have very positive, ऐसा नहीं है मैं गलतियाँ नहीं करती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे पीरियड से पहले जनरली आई डोंट गेट क्रेविंग्स, आई गॉट द सिवियर क्रेविंग्स एंड आई हैड वन बॉक्स ऑफ आइसक्रीम, यू नो देर वर सिक्स ऑफ चॉकोबार, आई हैड ऑल सिक्स ऑफ देम, स्टिल आई सेड इट्स ओके, आई लव यू पालक, इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं पालक, हो जाता है, यू आर गुड 80% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम यू आर नॉट गुड, कल से दोबारा शुरुआत करेंगे एंड आई एम हैविंग, यू नो आई गेट दैट इमोशनल थिंग्स, सो आई गेट दैट, यू नो वेर यू आर जस्ट इन टू अ लूप एंड उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो करूंगी, ऐसा क्यों होता है, मेरे को भी मेरे साथ भी होता है, साल में 2 बार होता है, बट आई ईट अ होल बॉक्स ऑफ आइसक्रीम विच इज नॉट हेल्दी, ओके गाइज हैव अ नाइस डे, बाय बाय।